क्वालिटी भाई। एंड मैं अब से तुम्हें बोलूं कि 50% ऑफ वीडियोस इसी क्वालिटी में आने वाले, तो तुम कैसा फील करोगे ब्रो? यस, डीएसएलआर अटैच कर दिया है, बहुत कुछ हो रहा है। मैं तुमको पहले ही बोला था, यू नो, जस्ट सपोर्ट दिखाओ, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हम जो छोड़ देंगे। एंड मैं अभी भी इसको नहीं लाना चाहता था, मैं थोड़े दिन बाद आना चाहता था, यू नो, क्योंकि ले मैं स्टूडियो में होता तो और अच्छे लाइट्स वाइट सब होती, बट बेसिकली मेरे से आज रहा नहीं गया, क्योंकि मैंने लॉरे का एक रिएक्शन पर भी लिखा था कि अगर इस पर 1K लाइक्स होंगे तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा लॉरे पे, बट उसमें भी रहा नहीं गया। 600 लाइक्स हुए और हम लोग आ गए, तो तुम्हारा काम बनता है लाहे पे 1K लाइक्स करा देना। बस अभी बातें बहुत हो चुकी, अभी अपन रिएक्शन में घुसते हैं। बाकी क्वालिटी के बारे में तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, और किसी और सेटिंग्स के बारे में कुछ भी पूछ रहा हूं तो मेरे को तुम इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, यू नो, लेट्स गो। क्योंकि और मैं 50% भी वीडियोस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लाइक यू नो 50% ऑफ जो वीडियोस होते हैं मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ यूट्यूब पे, तो मैं नहीं चाहता 4K क्वालिटी में यूट्यूब पे डालूँ लाइव स्ट्रीम में और लोग कुछ कुछ लोग देख ना पाए। यू नो अभी भी कॉम्प्रेस करके क्वालिटी डाल रहा हूँ, 40% भी नहीं है इस कैमरा की। सो यू नो बाद में कैमरा के बारे में डिस्कस करते हैं, फिलहाल रिएक्शन में घुसते हैं। मेरे से बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, मेरो सोल्टा बाय लॉरे फीचरिंग गुनास, आई थिंक सो। सो लेट्स गेट इन ऑल द लॉरे फैंस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन, लेट्स गेट इन। Oh, what happened? Oh, somebody died? ओके, सो कुछ पास्ट में ले जाके ट्रेनिंग डेज के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके लेट्स गो। आई थिंक सो दिस पर्सन इज गुनान गुनेस, आई थिंक सो, आई डोंट नो द नेम बट आई थिंक सो ही इज फॉर द कोरस एंड एडलिब्स पार्ट। लॉरे सो बेसिकली यू नो घर के बहुत सारे मैं ऐसे प्यारे गाने को डिकोड करने के लिए बार बार रोकूंगा नहीं, बट जो जो मेन पॉइंट्स होती है लेट मी यू नो जस्ट क्रैक इट। ही वॉज अ सिंपल टेन, बेसिकली ही वॉज लाइक अ बोलते ना हिंदी में कि बहुत ही अनाड़ी टाइप जो लोग होते, नॉर्मल एकदम, जिनको कुछ पता नहीं होता है, तो फ्रॉम अ विलेज, मतलब एकदम नॉर्मल पर्सन फ्रॉम अ विलेज। कुरासल डेप्ट, ओके, वेटेड ओवर हिज हाउस, बेसिकली कि उसके घर के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब यू नो कर्जे चढ़े हुए थे बहुत ज़्यादा, तो उसको उसको चुकाना था बेसिकली। सो बेसिकली ही मीन्स टू से कि वो आर्मी में इसलिए ज्वाइन हुआ फिर क्योंकि ले, और उसके जो जो रास्ता था बहुत ही पाथ, उसकी पाथ ऑफ स्ट्राइव बेसिकली कि पाथ ऑफ ट्रबल्स इन इन शॉर्ट, तो ही मीन्स टू से कि उसके ऊपर बहुत सारे ट्रबल्स चल रहे थे और वो ट्रबल्स के ऊपर चल रहा था, से वो आर द सेम थिंग। It was after all full shelter growth that he was fighting for. So basically, बहुत बड़ी नीड नहीं थी उसके पास, बट ओनली ही इज देयर फॉर हिज यू नो शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये सब जो नेसेसिटीज होती छोटी छोटी उसको निभाने के लिए उसने खुद के ऊपर सबको जिम्मेदारी ले ली बेसिकली। हाँ अच्छा 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 ओ एक सेकंड एक सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट आउट टू विकास छेत्री एंड शॉर्ट आउट टू मैं दोनों का, जो भी जिनने मेरे को ये सब्सक्राइबर ने सेंड किया था और जिनने ये सबटाइटल्स दिए हुए प्रोवाइड किए, दोनों का चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेक श्योर कि तुम सपोर्ट कर ऐसे बंदों को जो यू नो इंडिया और डिफरेंट कंट्रीज में भी नेपाल का आर्ट पहुंचा रहे हमारी तरह, क्योंकि इनने इंग्लिश सबटाइटल्स दिए दैट्स व्हाई हमको समझ आ रहा है, यू नो
महिला भाई सच्याउँदै हरेक गल्तीलाई भर्नु छ खाली गल्तीलाई एक हो रो उसको खोजी साथमा परिवारको आशिष हातमा मेहनतको ठेला उसको कलिलो हतेला घिसो मलिलो माटोमा हिँड्दै पुर्खाको बाटोमा ऊ हरदम हर्बल लङ्की. That was nice. कि चेजिंग द पाथ फॉलोड बाय हिज फोर फादर्स, जो उनके फोर फादर्स ने, जो उनके पूर्वजों ने बहुत चीजें की थी ऐसे, तो उसी के पाथ पे वो धीरे धीरे अभी चल रहा है. Okay. Okay. I'm trying my best कि मैं नहीं रोकू. Exhaustion, frustrations at times run him in tracks. Okay, मतलब बहुत ही ऐसे टाइम्स आते थे जहाँ उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होती थी जो वो कर रहा है, बट देन मेरे ख्याल से उसको घर की याद आ जाती होगी. That's why. Soon pulled him cold towards him. Oh, so basically उसके हर एक स्टेप उसका करेक्ट था, हर एक स्टेप उसका कॉन्फिडेंट उसने लिया. That's why. जो उसका गोल था बहुत ही जल्दी जल्दी उसके पास खिंचता हुआ आ रहा था. ओके नजीक पल्टन खर्सँग लाग्यो मिथ तारो हार छेक्ने एउटै जीत he means to say ki can't stop wondering where it is that you are disappeared too. So basically jo lore hai wo story bata rahe hai, the person on the chorus is like is in the present ki jahan pe wo hai nahi abhi, to wo chorus mein aisa bolna cha rahe hai basically. Badhiya in dono ka jo combination hai bahut, it is like a short film. अब तुम नहीं बोल सकते कि हिप हॉप इज लाइक बहुत ही कम ऐसा कुछ नहीं है. ये सॉन्ग अगर किसी मूवी में भी जाता ना, मैं लिख के देता हूँ ये 100 मिलियन वाला ट्रैक था. बट बिकॉज इट इज़ अपलोडेड बाय इंडिविजुअल क्रिएटर, तो दैट्स वाई इसके व्यूज़ बहुत कम है. बट भाई सही में 10 मिलियन इज नॉट अ लाइक शॉर्ट डील, बट तो भी ये बहुत अच्छा गाना है ब्रो, बहुत अच्छा गाना है. सॉरी मेरा डिलीवरी बॉय आ गया था, एक सेकेंड थोड़ा सा पीछे ले लेते. हाँ आ जाओ. He grinds his body against the dirt basically कि आर्मी में बहुत कुछ होता है ना, खून पसीना बहाना पड़ता है वहां तक पहुंचने के लिए. Finally, he's in a battle now. भाई, bro, मैं चाहता नहीं हूँ ये song को end करना, basically. अरे यार. तरंग अगी बढ़छ उत्साहको संग घुम्छन् छ मुटु काँच्छ अंग कहलाग्दो रातमा बन्दुक हातमा चल्छ कदम बहादुर औकातमा घेरामा पर्छ. Was behind the enemy line. Okay. He chopped the enemy's head basically. Nice. Ooh. Did he say Gorkhali khun in the veins? I think so, I'm right. I respect Gorkha army a lot, yeah. I studied somewhere or, कहीं से सुना था मैंने. I don't know ये कितना सच है, बताना तू मुझे कमेंट सेक्शन में. बट वेन ब्रिटिशर्स ruled इंडिया बैक अगेन, देन एट दैट मोमेंट जब बहुत ही ज़्यादा अनबन चलती रहती थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन आर्मी ने समाओ कहीं ना कहीं से गोरखा आर्मी को कॉल किया था, एंड जो सपोर्ट में आए. एंड देन व्हेन द बैटल हैपेंड, गोरखा आर्मी ने इतना प्रेशर डाला ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश आर्मी पे, बहुत मतलब तब ब्रिटिश आर्मी कमज़ोर पड़ गई थी, तो बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए. एंड टॉप आर्मीज में से आती है आई थिंक सो गोरखा आर्मी वर्ल्ड की, तो
और बहुत टाइम से तुम लोग मेरे को बोल रहे हो कि गोरखा आर्मी पे रिएक्ट करो, ब्यूटीफुल प्लेसेस पे रिएक्ट करो, ब्यूटीफुल प्लेसेस पे मैं और मम्मी कर चुके हैं, यू नो जाके देख लो, पार्ट टू आने वाला है जल्दी। बट इफ यू वॉन्ट अ वीडियो ऑन गोरखा आर्मी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, यू नो कमेंट करके जाना, भूलना मत, यू नो तुम्हारा कमेंट बहुत मैटर करता है। विस्फोट हैपेंड तारे शरीर से लाउंदै छ It's a movie, I told you, भाई, वो ट्रांसिशन देखा तुमने? जैसे आता है वो भूत जाएगा दिया। तो ऑल ही वॉन्टेड कि यू नो एक विश थी कि यू नो चेयरफुल होम होवे, एंड द फादर्स ड्रीम डिसमेंटल्ड, एंड यू नो मदर रोने लगी, तो यू नो जो भी ड्रीम था वो अधूरा रह गया बेसिकली। सपना बिगाड्यौ आशीर्वाद तिमलाई दिने हात बत्ती बाली दीर्घायु बोलाउँदै उसको तस्बिर हेरी बोलाउँदै छिन् छोरालाई फेरि आमा तिमी न आतिनु उस संसार छोडी गइसक्यो हिजोसम्म हाम्रै थियो आज दै भएको भइसक्यो उसको त्यो काम। दे कांट बिलीव बेसिकली कि यू नो जो बंदा कल तक हमारा था आज वो गॉड का हो गया। उसको स्थान युवा योद्धा को बलिदान सदा बहार रह समान अमर बन्ने छ उसको जिहान उदाउँदा सूर्य हरेक बिहान तिम्रै कमी महसुस हुन्छ तिम्रो मुहानको याद आउँदा नेपाली मन हर दिन रुन्छ तिमी फर्की आऊ मेरो सोल्टी यो देश। व्हेनेवर यू नो वी थिंक अबाउट यू दिस नेपाली दिल यू नो रोज आता है वो दिल आहा नेपाली मन हर दिन रुन्छ तिमी फर्की आऊ मेरो सोल्टी यो देशलाई तिम्रो खाँचो छ तिमी बिना देशको माटो मरुभूमि जस्तै बाँझो छ इतिहासको आकाशको तारा बनि छ not you this country मरुभूमि जस्त without you तेरे बिना ये जो धरती का सॉइल है वो इट्स लाइक अ डेजर्ट कि वो एकदम सूखा पड़ गया तेरे बिना एक कंट्री का यू नो सॉइल। तो इमाजो छ इतिहास को आकाश को तारा बनी चमकाई धरती सारा उदाहरण तिम्रै नाम छ उठाउँछु हात तर काम छ त्यही पनि मेरो सोल्टा तिमलाई विदै देखि सलाम छ वेट अ सेकेंड जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड हाँ यू नो मैं पूछने वाला था कि इज इट अ रियल स्टोरी एंड यू नो हेयर इट इज रिटन दैट लॉरेस रियल फ्रेंड इज डाइड इन अ बैटल एंड दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड। यू नो मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ आर्मी इन चीज़ों से, यू नो मेरा भी सेम ऐसा एक वीडियो है, इट इज़ लाइक अ एनिमेशन वीडियो एंड मैं हूँ उसमें, तो वो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मेरे फर्स्ट चैनल पे पड़ा होगा, फोटोग्राफ नाम है उसका। तो दैट इन दैट वीडियो मैं भी यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सोल्जर के जाने के बाद उसकी फैमिली का क्या हाल होता है, ऑल ऑफ दैट थ्रू अ सॉन्ग। तो यू नो जब तक यू नो दिल से तुम्हारा कोई बंदा वहां पे ना हो या फिर तुम उनके लिए दिल से फील ना करते हो आर्मी के लिए, तब तक ऐसा सॉन्ग निकल के नहीं आ सकता यार। रिस्पेक्ट टू लॉ रे मैन। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो बीच में उसने कुछ ऐसा भी कहा था मेरे ख्याल से दैट यू नो द मैन इज इमॉर्टल बट देयर विशेज आर नॉट इमॉर्टल, सो आई थिंक सो देयर ही मीन्स कि यू नो मॉर्टल इज समथिंग कि जो
फॉर एवर लिविंग के लिए ना बना हो, बट हिज विशेज आर इमॉर्टल बेसिकली, क्योंकि जो विशेज होती है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, तो उसकी विशेज हमेशा जिंदा रहेंगी, यू नो, कि एक चेयरफुल होम देखने की और बहुत कुछ चीज़ें, तो वो हमेशा होता रहे. एंड रिस्पेक्ट टू ऑल द सोल्जर्स, रिस्पेक्ट टू हिज फैमिली आउट देयर जो होंगी मेरे ख्याल से अभी, तो है ना, मच लव टू देम. एंड यू नो फॉर मी आई ऑलवेज लिसन टू ड्रेक टाइप और एक्सटेंटेशन सॉन्ग्स, एंड देन यू नो मैं उसके बाद गाने सुनने के बाद रिएक्शन बनाने बैठता हूँ. आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस, क्योंकि मैं हमेशा हाइप्ड अप रहता हूँ, बट इसलिए मेरे यू नो मैं बिल्कुल ऐसे, मतलब अगर मैं उस जोन में होता तो मैं रो ही जाता, बट यू नो हियर आई वॉज हाइप्ड अप एंड देन मैं रेडी बिल्कुल भी नहीं था इस सॉन्ग के लिए, बट दिस सॉन्ग वॉज ग्रेट मैन. मेरे को इसको किसी डीप दिन पे सुनना चाहिए था, बट नो प्रॉब्लम, मज़ा आया हमको सुन के, कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ अलग फीलिंग इमोशन फील करने को मिला. एंड होप तुम्हें तुमको भी अच्छा लगा होगा ये सॉन्ग सुन के रिपीट 7 साल बाद. तो यू नो दैट्स वाई मैं लेके आया तुम्हारे लिए, ताकि तुम सुनो, अच्छा फील करो, अच्छा दिन जाए तुम्हारा. एंड रिस्पेक्ट टू ऑल द सोल्जर्स, हमेशा तुमको कोई दिखे ऐसा तो यू नो रिस्पेक्ट देम, एंड यू नो अच्छी सी बातें करो, क्योंकि वही लोग हैं जिनकी वजह से हमारी पूरी कंट्री चल रही है, ऑफिसर्स, ये सब सब होता रहेगा, बट यू नो सोल्जर्स की वजह से तुम जानते हो, अगर ये देश नहीं बचेगा तो क्या होगा, क्या कर लेंगे ऑफिसर्स और ये लोग. तो दैट्स द मेन थिंग. बाकी मेक श्योर करना कि तुम अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे को देके जाना गोरखा आर्मी का रिएक्शन के ऊपर, एंड अपने अच्छे अच्छे प्राइवेट सजेशंस भी देके जाना. अगर तुमको उससे बात करनी तो मेक श्योर कि इंस्टाग्राम पे आ जाना. बाकी मिलते तुमसे किसी और अच्छे रिएक्शन, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे केयर एंड टाटा. हुआ मैं तो ये गेमों का खेल के टिकटॉक और चूतियों की गाना हम पहले थे, गेम को घुमाता हूँ जैसे ये बेबलेट, हल्का समझते अब कहता हूँ चेक में, स्कूल में तो लिखता रहे बुक थी क्लास में, दिखते ही दिखते हैं गुम हो गए बैच में, ढूंकी मिले फ्रॉम द पीपल हु वर फेक, आई एम 11 विद वुमन और अ स्नेक, अकेला काटा था मैंने बर्थडे केक, इमेजिनेशन में किया था बेक.